हिस्से होते हैं जो कि एक्सप्लोडेड टूटे होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियन अरबों लाखों साल पहले ये टूट के बने होते। तो एक प्रश्न आ रहा होगा मन में कि सर ये जब ये टूट जाते हैं तो फिर ये आई और जगह कहीं क्यों नहीं जाते हैं, उसी जगह क्यों रह जाते हैं, और ऑर्बिटर में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उन्हीं में से ये पिंड टूटते हैं और ये टूटने के बाद ग्रेविटी कारण उन्हीं के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऐसे पिंडों को, खगोलीय पिंडों को, सेटेलाइट्स को एस्टेराइड कहते हैं। सेकेंड नंबर पर है मेट्राइट्स। मेट्राइट्स क्या है देखेंगे इसको ध्यान से। मेट्राइट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट इंटर द अर्थ एटमोसफियर एंड गेट बर्नड ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाई द फ्रिक्शन अगेंस्ट एयर फ्लैशेज एज अ स्ट्रेक ऑफ लाइट इन द स्काई। तो देखा आप लोगों ने सेलेस्टियल, ये मेट्राइट्स होते हैं, इन्हें उल्का पिंड भी कहते हैं। उल्का पिंड जो आग से जलते रहते हैं, आग की जैसा जलते रहते हैं। उल्का पिंड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये छोटे छोटे तारों ऑब्जेक्ट होते हैं आकाश में, ये जो है गेट बर्नड है, जल जाते हैं। किस कैसे जल जाते हैं, जलने लगते हैं हीट, गर्मी से, प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण से। किसके घर्षण से, किसके घिसने से, अगेंस्ट एयर एंड फ्लैशेज एज स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई। आकाश में बहुत सारी चमक भी होती है, लाइट भी आती है, जो बिजली का गड़गड़ाहट हम लोग देखते हैं उन सभी चीज़ों से, और यह गर्म भी होते हैं, इसलिए इसमें आग लग जाती है। इस वजह से उल्का पिंड के रूप में जाने जाते हैं, या इंग्लिश में इसको मेट्राइट्स कहते हैं। और साथ ही साथ दीज आर ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार्स, इनको शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। वेन मेट्राइट्स आर लार्ज इन द साइज, जब जब इस तरह के मेट्राइट्स जो है बड़े साइज में होते हैं, एंड डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली, और पूरी तरह आकाश में जल नहीं सपाते हैं, तो दे लैंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से लैंड होने लगते हैं, पृथ्वी के सरफेस की तरफ। एंड आर नोन एज मेट्राइट्स और मेटर्स, और इसको उल्की या उल्का पिंड के रूप में हम लोग जानते हैं। दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन, या सूर्य के चारों तरफ भी घूमते हैं। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है दैट मेट्राइट्स ऑरिजिनेट इन द एस्ट्राइड बेल्ट, कि क्या माना जाता है कि जो मेट्राइट्स हैं वो कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, एस्ट्राइड बेल्ट से ही ऑरिजिनेट होते हैं। एस्ट्राइड बेल्ट कहाँ होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, बीच के हिस्से को एस्ट्राइड बेल्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है कमेट्स। कमेट्स क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। समथिंग बाल्स विद ग्लोविंग टेल शाइन इन द स्काई नाइट आफ्टर द नाइट। कभी कभी हमें छोटे छोटे गेंद के रूप में ग्लोविंग घूमते हुए टेल पूंछ के साथ शाइन चमकते हुए इस रात में तारे हमें दिखाई देते हैं। आप लोग को इतने से ही समझ में आ गया होगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको पुच्छल तारा कहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने तारों को घूमते हुए यहाँ वहाँ जाते हुए देखा होगा, इधर से उधर डायरेक्शन में मूव करते हुए। दीज ल्यूमिनियस हेवनली बॉडीज आर कमेट्स, इन्हीं को क्या कहते हैं, कमेट्स कहते हैं। कमेट्स मीन्स होता है पुच्छल तारे या धूम केतु। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट, इनका भी जो घूमने का जो ऑर्बिट्स है वो कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है। दे आर मेड अप, ये किस चीज़ से बने होते हैं, आइस, गैस, डस्ट, ये धूल, गैस और बर्फ से जमे होकर बने होते हैं। एज दे अप्रोच द सन दियर फ्रोजन सरफेस स्टार्ट टू इवेपोरेट, जैसे जैसे ये सूर्य के पास घूमते हुए पहुंचते हैं, इनका जो फ्रोजन सरफेस है वो स्टार्ट टू इवेपोरेट, वाष्पीकरण होने लगता है, ऊष्मा के कारण ये गलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। द वर्ड कमेट ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड कोमा, ये जो कॉमेट शब्द है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से निकला है, कोमा वर्ड से, विच मीन्स ए हेड ऑफ गैस। इस कोमा का मीन्स क्या होता है, किसी गैस का हेड, सिर। किसी भी चीज के दो साइड होते हैं, एक हेड एक टेल, तो हेड जो होता है उसी को कमेट कहते हैं, गैसों के हेड को क्या कहते हैं, कमेट। सोलर विंड्स फोर्स द गैस टू बैक अलॉन्ग विथ सम डस्ट टू फॉर्म ए ग्लोविंग टेल, जो सोलर विंड्स हैं, जो आकाश में हवाएं हैं, वो उनको फोर्स करती हैं, दबाव देती हैं गैस की तरह, तो उनको बैग अलॉन्ग द सम डस्ट फ्रॉम द ग्लोविंग टेल, एक पूंछ की तरह उनके पीछे ऐसे दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जब इधर से ये सूर्य की तरफ जाएंगे तो उधर से जो हवा है वो उसको पीछे की तरफ से करेगी, तो ऐसा लगता है गैसों का समूह जो पीछे बहता है चमकता हुआ कि इसके पूंछ है, इसीलिए इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। शुरू मैंने बताया कमेट्स मीन्स होता है धूम केतु या पुच्छल तारा, ऐसे तारे जिनके पास पूंछ हो। दे आर नोन फॉर दियर सडन अपियरेंस एंड डिसअपियरेंस, ये कभी कभी दिखते हैं, अचानक से दिखेंगे और अचानक से गायब हो जाएंगे। द बेस्ट नोन कमेट इज हेले, जो सबसे ज्यादा फेमस इस तरह का पुच्छल तारा है उसको क्या कहते हैं, हेले। हेले ये जो भी हम आपको फिगर दिखाए हैं ये क्या है, हेले है, हेले कमेट है। विच कैन बी सीन
फ्रॉम द अर्थ एवरी 76 ईयर्स, जो कि इस तरह के तारे हम कब देख पाते हैं, लगभग 76 ईयर, हर 76 ईयर्स के बाद ये तारे हम आकाश में देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम टू रिवाइज, कुछ रिवाइज करने के लिए है, लेसन समाप्त हो गया है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि इस लेसन में मुख्य इंपॉर्टेंट बातें कौन सी थी। द क्लाउड ऑफ द गैसेज और डस्ट विच बिलीव टू बी द मदर ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज नेबुला, जो गैसों का या धूल कण का जो समूह है, बादल है, वह जो कि यूनिवर्स का मदर भी कहलाता है, हमारे ब्रह्मांड की माँ के रूप में भी उसको जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज विच प्रोड्यूस दियर ओन हीट एंड लाइट, जो तारे होते हैं वो ऐसे सेलेस्टियल खगोली पिंड होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं दियर ओन, उनका खुद का लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्टार कहते हैं। एक गैलेक्सी इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ स्टार्स एंड मे हैव हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, एक गैलेक्सी में, एक आकाशगंगा में बहुत बड़ी प्रणाली होती है, तारों का समूह होता है और लगभग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स और भी बहुत सारे बिलियंस स्टार्स होते हैं। आवर सोलर सिस्टम हैज, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, 8 प्लेनेट्स हैं और लगभग 100 नोन सेटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, कमेट्स भी हैं और मेटर्स भी हैं। द प्लेनेट्स एंड दियर मून्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, सूर्य के चारों तरफ जो प्लेनेट जिस डायरेक्शन में जिस शेप में घूमते हैं उस इलिप्टिकल पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। सेटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडीज, जो सेटेलाइट होते हैं उपग्रह होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, वो भी खगोलीय पिंड ही होते हैं जो कि मूव्स घूमते हैं अराउंड द प्लेनेट, किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं उसे सेटेलाइट कहते हैं। और किस डायरेक्शन में घूमेंगे, इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह घूमेंगे जिस तरह से प्लेनेट मूव करता है सन के चारों तरफ अराउंड द सन। द मून इज अबाउट, इसको देखेंगे हम लोग फिर से देखेंगे, द मून इज अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इतनी दूरी है हमारी पृथ्वी से चांद की। द चेंजेस इन द विजुअल शेप ऑफ द मून आर नोन एज फेज ऑफ मून, जो हम चांद का अलग अलग आकार शेप देखते हैं उसको क्या कहते हैं, फेज ऑफ मून कहते हैं। स्ट्राइड्स आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो स्ट्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे तारे होते हैं जो कि लाखों अरबों सालों में किसी प्लेनेट से टूट के बने होते हैं। मेटराइड्स आर स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट इंटर द अर्थ एटमोसफियर एंड गेट बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाई द फ्रिक्शन अगेंस्ट एयर एंड फ्लैशेस एज ए स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई। मेटराइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे स्मॉल सेलेस्टियल, ऐसे खगोली छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि पृथ्वी के एटमोसफियर में आ जाते हैं और जैसे ही आएंगे वो बर्न, जलने लगते हैं, किसके कारण, हीट के कारण, गर्मी के कारण जलने लगते हैं और फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, किसके घर्षण के, हवा के घर्षण के कारण जलने लगते हैं और फ्लैशेस और चमक चिंगारी के कारण एज ए स्ट्राइक ऑफ लाइट आकाश में दिखाई देते हैं। लास्ट क्या है इंपॉर्टेंट चीज, कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस गैस एंड डस्ट, कॉमेट क्या होता है, मैंने बताया पुच्छल तारों को कॉमेट्स कहते हैं, तो जो कॉमेट्स होते हैं किस चीज के बने होते हैं, आइस गैस डस्ट। तो बच्चों ये रहा आपका फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, इसको 2-3 बार देखें और तैयार कर लें अपने आप को आने वाले अपकमिंग टेस्ट के लिए। गुड बाय।